नारायण नारायण, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। नारायण 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 का उद्घोष जहां, राम राम मधुर धुन वहां। नारायण नारायण नारायण, ये पहले से इसलिए बता रहे हैं 4:30 के पहले ही, ताकि आप जल की व्यवस्था अपने पास कर ले नजदीकी। हाँ देखो, यहाँ पर आप जल चढ़ाएंगे राम राम 21 के द्वारा। हजारों की तादाद में मंत्र उच्चारण राम सबसे बड़ा मंत्र है, और इस मंत्र की खासियत यह है कि हर अवस्था में, हर व्यवस्था में आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, आप इसका जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के साथ किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है कि नहा कर ही बैठना है, एक जगह बैठकर ही करनी है, इतने ही जप करनी है, इस समय ही करना है, ना कोई भी प्रकार का बंधन नहीं है। आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और ये उतना ही फलित होगा। वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा किया था, तब भी देखिए कितना फलित हो गया था, उच्चारण उल्टा किया था फिर भी, तो सोचिए कितना प्रभाव है इस मंत्र का। और जब हजारों की तादाद में मानसिक अभिषेक होगा, हम अपने आप को वहां पर विजुलाइज करके इन पर जल चढ़ाएंगे। तो हम जब मंदिर में प्रत्यक्ष में जल चढ़ाते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं, यहाँ से जल उतरता है नीचे, यहाँ तो नंदी जी बैठे हुए हैं क्योंकि अटैच्ड है, पर मंदिरों में ये दूर बैठा होता है, नंदी जी दूर होते हैं, और यहाँ से जल प्रवाहित होकर नीचे जाता है, और आप लोग यहाँ पर हाथ रख देते हैं, रखते हैं ना हाथ, यहाँ पर जल चढ़ता है, जल लोटा पूरा चढ़ाने के बाद आप यहाँ पे, मैं लेफ्ट हैंड दिखा रही हूँ, पर राइट हैंड आप यहाँ पर रखते हैं, वो जल लेते हैं, ग्रहण करते हैं, रखते हैं, राइट है ना। तो अब जब हम लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जल चढ़ाएंगे, तो सोचिए वो जल मंत्रों से कितना परिपूर्ण होगा, अभिमंत्रित जल होगा, हजारों की तादाद में चढ़ा वो जल यहाँ से उतरेगा। आपको एक बर्तन भर के रखना है जल का अभी से, और जब ये हमको विजुलाइज करना है कि हमने यहाँ पर जल चढ़ाया और यहाँ पर हमने अपना बर्तन रख रखा है, वो सारा जल यहाँ से प्रवाहित होता है, जो हमने जल चढ़ाया है, अर्पण किया है प्रभु को, वो यहाँ पर मंत्रों, यहाँ पर चढ़ाया, मंत्रों के माध्यम से चढ़ाया, अभिमंत्रित जल यहाँ पर पहुंचेगा, तो जल आपका ऑटोमेटिकली अमृत में कन्वर्ट हो जाएगा। इतने सारे जाप के बाद कल आपने महत्ता जल की सुनी, तो जल की व्यवस्था पहले से रखें ताकि हम सबको दे भी सकें, आप प्लांट में भी चला सके, आप जी आप अपने भोजन में भी इसका प्रयोग कर सके, सब में प्रयोग कर सके, वो जो जल है अभिमंत्रित हो जाएगा। हम तो कहेंगे यदि कोई घर में अस्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ भी है, उसके नहाने की बाल्टी में भी एक चम्मच डाल दीजिएगा, वो जल भी, हम लोग गंगा जल क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं ना, और उसको पूरे पानी को विजुलाइज कर लेते हैं कि गंगा जल में कन्वर्ट हो गया, ये उतना ही शक्तिशाली जल बन जाएगा जब इतने सारे मंत्र एक साथ एक लय में उच्चारित होंगे। मंदिर में जब आप जाते हैं, एक एक करके व्यक्ति पूजा करता है, तब एक बार में एक ही मंत्र चढ़ता है, और ये नारायण भवन की इतनी बड़ी व्यवस्था कि एक बार एक साथ हजारों की तादाद में मंत्र उच्चारण होगा, जल अर्पण होगा एक साथ, और सोचिए उस जल की क्या अवस्था हो जाएगी, वो अमृत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहले 4:30 के पहले आपको बता दिया गया, ताकि बीच में आपको प्रार्थनाओं से उठकर जाकर जल की व्यवस्था ना करनी पड़े, जल आप लेकर बैठ सके अधिक, थोड़ी अधिक मात्रा में, ताकि परिवार के सदस्यों को भी दिया जा सके। फिर वो अभिमंत्रित जल आपको किस तरह से कन्वर्सेशन करना है, किस तरह ग्रहण करना है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। नारायण नारायण नारायण।